आश्वस्त करना चाहते हैं, राज्य सरकार उत्तर प्रदेश को विकास और खुशहाली के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ाने के लिए जो भी प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी, कहीं भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। अपने संकल्प पत्र 2017 के किए गए सभी वायदों को पूरा करने के लिए पूरी तरह कृतसंकल्पित है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास और सुशासन के माध्यम से सबका साथ और सबका विकास का जो संकल्प लिया है उसका पूरी तरह अनुसरण करते हुए प्रदेश सरकार राज्य की जनता की सेवा करेगी। आप सभी जानते हैं कि 15 वर्षों में उत्तर प्रदेश विकास की दौड़ में काफी पिछड़ गया है। इस अवधि में यहां सत्ता पर काफी सरकारों ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद के साथ साथ कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति से यहां की जनता को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसलिए हमारी सरकार आम जनता के कल्याण के लिए और उनके उत्थान के लिए अविलंब प्रभावी कार्रवाई शुरू करेगी। लोक कल्याण के प्रति समर्पित यह सरकार बगैर किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के लिए समान रूप से कार्य करेगी। इसके लिए शासन प्रशासन को संवेदनशील और जवाबदेह बनाया जाएगा। भोजन, आवास, सड़क, पेयजल, शौचालय जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चाक चौबंद रखने के लिए सरकार निरंतर पूरी सजग तरीके से कार्य करेगी। प्रदेश में शिक्षा का उन्नयन, युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि, आम जनता को स्वास्थ्य और परिवहन की अच्छी सुविधा प्राप्त हो, भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार इस दिशा में ठोस प्रयास करेगी। समाज के गरीब, दलित एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। हमारे प्रदेश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण इलाकों में रहता है। अपनी आजीविका के लिए उन्हें खेती पर निर्भर रहना पड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कृषि ही प्रदेश के विकास का आधार बने। कृषि, किसान तथा खेतिहर मजदूर, इन तीनों के विकास के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण, उन्हें समान अवसर देने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और सम्मान के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी। पूर्ववर्ती सरकारों के बदहाल शासन का खामियाजा प्रदेश की युवा पीढ़ी को भुगतना पड़ा है। युवाओं को गुणात्मक शिक्षा सुलभ हो तथा कौशल विकास के माध्यम से उन्हें रोजगार के सुगम अवसर प्राप्त हों, इसके लिए भी प्रदेश सरकार पूरी संवेदनशीलता से कार्य करेगी। सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया को भ्रष्टाचार विहीन
एवं पारदर्शी बनाया जाएगा। निवेश को बढ़ावा देते हुए राज्य का संतुलित औद्योगिक विकास भी किया जाएगा। इसके माध्यम से जहां एक ओर प्रदेश को आर्थिक विकास होगा, वहीं दूसरी ओर हमारे नौजवानों को राज्य में ही रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। और अंत में मैं एक बार पुनः इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन लाने का जो जनादेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्राप्त हुआ है, उसके सकारात्मक परिणाम अति शीघ्र दिखने लगेंगे। आप सब ने आज नए मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह के आप सब साक्षी रहे हैं। हम लोगों ने सबका साथ और सबके विकास की बात कही थी। मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में आपको वह दृश्य दिखाई दिया होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन दोनों चीजों को सुधारने के लिए क्या बीजेपी करने वाली है, यूपी सरकार करने वाली है? भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पूर्व जनता के सामने अपना विजन डॉक्यूमेंट के रूप में लोक कल्याण संकल्प पत्र रखा था। लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से जो भी हम लोगों ने प्रदेश की जनता से वायदे किए हैं, हम उनको पूरा करने के लिए कृतसंकल्पित हैं। चाहे वह खेतिहर मजदूर हो या हमारा किसान, इन सब के उन्नयन के लिए, उनकी आय को दुगना करने के लिए, युवाओं के रोजगार सृजन करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और आपको हम परिणाम देंगे। आज हम सब ने एक औपचारिक कैबिनेट की बैठक की है, मंत्रिपरिषद का एक परिचय का एक बैठक की है। उस बैठक के बारे में हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी और श्रीकांत शर्मा जी आपको अवगत कराएंगे। और नियमित ब्रीफिंग के लिए भी हमारे ये दो सदस्य कैबिनेट की जो बैठकें अगले सप्ताह से प्रारंभ होंगी, तो उसकी नियमित ब्रीफिंग और सरकार की के कार्यों के बारे में भी जो नियमित ब्रीफिंग के लिए हमने अपनी वरिष्ठ सहयोगी श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी को और श्री श्रीकांत शर्मा जी को अधिकृत किया है। मैं चाहूंगा अगर दोनों हमारे यहाँ मौजूद हों तो मुख्यमंत्री जी, एक सवाल मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी आज मेरा नाम आप विश्वास करिए, एक बार कार्य करने दीजिए, उसके बाद फिर आगे बहुत छोटा सवाल है, बहुत छोटा सवाल है मुख्यमंत्री जी। मेरा नाम उत्कर्ष सिन्हा है। आज हम लोग केवल धन्यवाद करने एक सवाल का जवाब दे दीजिए सर। योगी जी, तो इस वक्त उत्तर प्रदेश में का सौभाग्य है कि पूर्वांचल से हमारे प्रधानमंत्री जी भी हैं और पूर्वांचल से ही आप भी आते हैं और पूर्वांचल इस प्रदेश का सबसे पिछड़ा इलाका भी माना गया है, तो क्या पूर्वांचल के लिए कोई रोड मैप आपने सोच रखा है? सरकार ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में पूर्वांचल विकास बोर्ड और बुंदेलखंड के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए बुंदेलखंड विकास बोर्ड बनाने की बात कही है। हमने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में जो बातें कही हैं, हम उसे 100% क्रियान्वित करेंगे और इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए ही मैं आपके बीच यहाँ उपस्थित हूँ। मुख्यमंत्री, मेरा नाम दिनेश शर्मा है, स्वतंत्र आवाज.com से। मुख्यमंत्री जी, कल आपकी एक परीक्षा होने वाली है,